मुंबई में फिर पूना और मालेगांव सबसे ज़्यादा मुतासिर है। मालेगांव एक ऐसा शहर है कि यहाँ पर वसाइल बहुत कम है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग 12 बाय 15 बाय 20 के, 12 बाय 20 के, 12 बाय 25 के मकानात में रहते हैं। और ये 67% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, सतह गुर्बत से नीचे रहते हैं। मालेगांव टेक्सटाइल का शहर है और यहाँ पर 80% से ज़ायद लोग मजदूर हैं। ऐसे हालात के अंदर मालेगांव में इस महामारी की वजह से जो हालात पैदा हुए वो सबके सब पूरे देश के सामने है कि आज 700 के करीब यहाँ पर जो है पॉजिटिव मरीज़ हैं और 40-42 लोग जो है ये कोरोना वायरस से मुतासिर होकर के मौत का शिकार हो चुके हैं। ये वो तेज है जो पेपर पर है, वरना मारे मरने वालों की तादाद इससे भी ज़्यादा है। ऐसे मौके पर मालेगांव के अंदर जितने भी मुखय्यरीन हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, जमातें हैं, चाहे मजहबी कहो या समाजी कहो, ऐसे तमाम लोग जो है रिलीफ का काम कर रहे हैं। लोग ऐसा समझ रहे थे कि एक लॉकडाउन के बाद जो है मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन एक के बाद दो, दो के बाद तीन, आज तीसरा खत्म हो गया, चौथे का ऐलान आ गया कि ये 31 मई तक रहेगा। लॉकडाउन की वजह से जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं या पावर लूम मजदूर हैं, पावर लूम बंद होने की वजह से आज पूरा शहर एक बहुत बड़ा तबका भुखमरी का शिकार है। मालेगांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात की कोशिश हो रही है कि हमारे पड़ोस में कोई भी भूखा न सोए, इस बात की कोशिश हो रही है और लोग अपनी हैसियत और ताकत से बढ़ करके काम कर रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर कहो और ख़ास तौर पर जो है मजलिस के रूह रवां हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस के MLAs, मजलिस के हमदर्दान, उन लोगों ने मालेगांव पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी और ख़ुद से उनका फ़ोन आया, बात हमारी हुई थी लेकिन फिर से खुद से उनका फ़ोन आया कि 2000 किट का इंतज़ाम हमने किया है और हम वो किट से मालेगांव भेज रहे। ये इस मसले को लेकर के, इस बात को लेकर के मैं अपनी तरफ से अब्दुल मालिक जो हमारी जमात के सदर हैं मालेगांव के, और इसी तरह शिमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ हैं, मजलिस के जो भी कारपोरेटर हजरात हैं, मजलिस के जो भी वर्कर कहो हमदर्दान कहो, मैं सब की तरफ से मजलिस के सदर का और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और उनके रोफका जिन लोगों ने किट का इंतज़ाम किया है और माजिद हुसैन कहो, जाफर हुसैन कहो, दीगर MLAs कहो, मालेगांव वालों की तरफ से मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे मौके पर जब आदमी खुद परेशान है, अपने शहर के लोगों को लेकर के परेशान है, लेकिन मजलिस के जिम्मेदारान ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की और मालेगांव से जो लगाव है और मालेगांव पर जो उनकी तवज्जो है, इस बात को देख करके एहसास होता है कि वो अपनी बात में सच्चे हैं। आज उन्होंने 2000 किट से भेजी है, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि 2000 किट से मालेगांव के लिए ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन जाहिर बात है कम से कम जो कर सकते थे उन्होंने वो करके दिया। आज तो कोई भी सियासी जमात कहो इस मामले में हमें नजर नहीं आता कि उन्होंने मालेगांव की तरफ इस नज़र से देखा होगा। ये वाहिद तंजीम है, ये वाहिद जमात है मजलिस जिसने इस बात को अव्वलियत दी, हम दोबारा उनके शुक्रगुजार हैं। और आपने जो सवाल किया है कि ये किट्स है यानी किट्स बना करके उन्होंने भेजी है, एक ऐसा परिवार जिसमें 5-7 लोग हों, ये उनके लिए हफ्ता भर और इस महामारी के टाइम में भूखे रहने से बेहतर ये है कि आदमी पेट भर ना खाते हुए आधा पेट खा ले, कम से कम उसकी भूख मर जाए और उसको आधार हो जाए। ऐसे हालात के अंदर ये किट्स उनको 15 दिन के लिए काफ़ी हो सकती है। तकसीम के ताल्लुक से हम लोगों के सामने मसाइल हैं, लेकिन हम लोग अपने बाहमी मशवरे से जो भी हमसे हो सकेगा इसकी तकसीम में साफ शफाफ जो तरीका हो सकेगा उसको बरूए कर लाएंगे। इसी तरीके से आपने काफ़ी तफसील में आपसे बात की है, मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए मैं हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके साथी लोगों ने, जिन लोगों ने ये रिलीफ मालेगांव को दी है, हम उन लोगों का पूरी जमात की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं इतनी बात